क्षेत्र का करूंगा चौमुखी विकास। डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा रामकोला नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की जोर शोर से तैयारी कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा ने सर्वदर्पण न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं। मैं पेशे से एक डॉक्टर होते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में हूँ। इसका एक मुख्य कारण यह है कि मैं इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मुझे इस बार चुनाव मैदान में आना पड़ा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र का जो विकास कार्य अब तक हो जाना चाहिए वह नहीं हुआ। नगर में बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां भारी जल जमाव एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों को जल जनित बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो संपूर्ण क्षेत्र में जल जमाव से मुक्ति के लिए अस्थायी व्यवस्था कराना, संपूर्ण क्षेत्र की नियमित सफाई कराना, शुद्ध पेयजल की प्राप्त व्यवस्था कराना तथा पीएम आवास सहित सभी सरकारी योजनाओं को बिना कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के पारदर्शी तरीके से क्षेत्र के प्रत्येक पात्रों तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल है। आपका पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? मेरा पहला चुनाव है। आपका राजनीतिक सफर सर कब से शुरू हुआ? 1998 से। एक डॉक्टर होते हुए डॉक्टर के पेशे से जुड़ा हो के क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं चुनाव लड़ने की? देखिए, हर इंसान की एक सिद्धांत होता है, एक मोटो होता है कि हम अपने जीवन में क्या करें। मेरे जीवन का एक ही मोटो है, वो है मानव सेवा, साइलेंट मानव सेवा। तो मैंने मानव सेवा के लिए इस नगर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, मैंने एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया। आप लोगों को भी मालूम है कि इस ज़िले में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने हॉस्पिटल पे है, 14 बेड अपने पास केवल ऑक्सीजन के हैं। जब कोरोना काल में लोग मरने लगे उन समय मुझे ध्यान आया कि कम से कम अगर जो ऑक्सीजन रहता था तो शायद हम कुछ जाने बचा लेते। उसी दिन मैंने ये प्रण किया था कि मैं एक रामकोला में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा कि जो नहीं ज़्यादा मैं कर सकता हूँ तो अपने क्षेत्र के लोगों का कम से कम मैं अगर जो जान बचा सकता हूँ तो मेरा जीवन वो धन्य होगा। इसलिए मैंने जो है ये बहुत प्राथमिकता से हॉस्पिटल बनवाया, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कराया, उसमें ऑपरेशन की व्यवस्था कराया। बहुत ऐसे जो है बता रहे हैं कि गरीब मरीज हैं मेरे हॉस्पिटल में कि जो निशुल्क आयुष्मान भारत से निशुल्क जो बता रहे हैं कि ऑपरेशन होता है, अगर जो हॉस्पिटल न होता तो मान लीजिए जो निःशुल्क ऑपरेशन नहीं होता, गरीब वंचित हो जाते। तो मैंने इस दृष्टि को रखते हुए जो बता रहे कि हॉस्पिटल बनवाया। दूसरी चीज़ है कि बहुत ऐसी महिलाएं थीं कि जो गोरखपुर या दूर दराज में जो बता रहे हैं कि डिलीवरी के समय जाते जाते या तो उनका बच्चा मर जाता था या तो वो मर जाती थी, तो कम से कम वो कम समय में हमारी गोरखपुर की टीमें आकर के जो बता रहे हैं कि बच्चे को डिलीवर कर देती हैं, सस्ते पैसे में कर देती हैं। यही हमारी चीज़ें रही। ये सब सफ़र तय करने के बाद मुझे लगा कि कम से कम जो समाज में दबे कुचले लोग हैं जिनके बच्चे समय से पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़े से पैसे के अभाव में जिनकी बच्चियों के लिए, एक बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी के लिए जो है जगह नहीं मिल पाता है, कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ है, बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनका जो बता रहे हैं कि गंदा पानी पीने से जो उनकी बीमारियां होती हैं, गंदे जगह पे रहने से उनकी बीमारियाँ होती हैं, उनके वहाँ की नाली की साफ़ सफाइयाँ नहीं होती हैं। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम उनको जो है पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कम से कम शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी मलिन बस्ती की जो है साफ़ सुथरा जो है सफाई होनी चाहिए, उनकी गरीब बच्चियों के लिए हमारे यानी नगर पंचायत से हम जगह दे करके और उनका जो बता रहे हैं कि जितना सहयोग हो सकता है नगर पंचायत से जो उसके पात्र हैं उनको पूर्ण करने का काम हम लोग करेंगे। ये आज किस तरीके का कैंप है ये? देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा कोई बैनर पोस्टर कुछ नहीं है, न मुझे कोई हाईलाइट अपने को बनाने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है। आदमी का काम बोलता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं कि इतने वक्त वायरल जिनका मतलब सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम, 2 खुराक, 4 खुराक, 10 खुराक, उनके पास दवा नहीं है जो ले सकें, तो वो कम से कम उनकी दवाएं दे दें। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यानी कहना मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें हैं कि उनको बीमारी ही नहीं पता कि हमको क्या है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको कुछ नहीं पता है। कम से कम उनको सारी चीज़ें एकदम मुफ्त, यानी शुगर का जांच होना, दवाइयां देना, बीपी नापना,
मान लीजिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यानी क्या मतलब कि आँख से मोतियाबिंद यानी क्या मतलब कि फट जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो फट जाती है उससे और उनको जो बता रहे कि परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए हमारे आँख के जो डॉक्टर साहब आए हैं वो चेक करके बताएंगे कि भाई आपकी क्या कहाँ तक क्या स्थिति है, कम से कम हाँ लोगों को राहत राहत यानी मिले, इसके उद्देश्य मेरा जो है मुख्य उद्देश्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाना है।